हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के फंक्शंस में इंक्लूड होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स। इन्हीं के बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पहला है प्लानिंग एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्टैब्लिशेस, कोऑर्डिनेट्स एंड मेंटेन्स एन इंटीग्रेटेड प्लान फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस। सच अ प्लान वुड प्रोवाइड टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड इन द बिजनेस कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, प्रॉफिट प्लानिंग प्रोग्राम्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टिंग एंड फॉर फाइनेंसिंग, सेल्स फोरकास्ट एंड द एक्सपेंसेस बजट्स, टुगेदर विद द नेसेसरी प्रोसीजर्स टू इफेक्चुएट द प्लान। मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्टैब्लिश करता है, कोऑर्डिनेट करता है और मेंटेन करता है एक स्ट्रक्चर प्लान ऑपरेशंस के कंट्रोल के लिए। ऐसे प्लान्स में बिजनेस कॉस्ट स्टैंडर्ड, प्रॉफिट प्लानिंग, कैपिटल इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए प्रोग्राम्स, सेल्स फोरकास्ट और एक्सपेंस बजट प्रोवाइड किया जाएगा और प्लान्स को इफेक्टिव बनाने के लिए नेसेसरी प्रोसीजर्स को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज़ टू एश्योर फिस्कल प्रोटेक्शन फॉर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस थ्रू एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल एंड प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल और प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज के थ्रू बिजनेस की एसेट्स के लिए फिस्कल प्रोटेक्शन एश्योर करना होता है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेजर्स द परफॉर्मेंस अगेंस्ट गिवन प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स। द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस आर इंटरप्रेटेड टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। This also includes installation of accounting and costing system and recording of actual performance to find out deviation if any. Management accountant given plans or standards के against performance को measure करते हैं। Operations के results management के सभी levels और business के owners को interpret किए जाते हैं। इसमें accounting और costing system की installation और actual performance की recording include है। अगर कोई deviation हो तो उसे find out करने के लिए। Next, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर डिफरेंट टैक्स लॉज इन फोर्स एंड टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट टैक्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ही हैज़ ऑल्सो टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज। यह भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही फंक्शन है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है अलग अलग लॉज के तहत जो भी उस टाइम फोर्स में होते हैं, और टैक्स पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है। उसे गवर्नमेंट एजेंसीज को रिपोर्ट की प्रिपरेशन को सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट भी करना होता है। इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इवेल्युएट वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की इवेल्युएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इफेक्टिवनेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करने के लिए होती है, काफ़ी हद तक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कैलिबर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स। ही हैज़ टू असेस कंटिन्यूसली द इफेक्ट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल फोर्सेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरप्रेट देयर इफेक्ट अपॉन द बिजनेस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को वेरियस इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के इफेक्ट को कंटिन्यूसली असेस करना होता है और बिजनेस के गोल्स की अटेनमेंट के लिए बिजनेस पर उनके इफेक्ट का इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।